रोजगार तो मिल ही रहा है, अभी तो एक स्कीम भी अभी एक निकला है जिसमें बिजनेस करने के लिए पैसा मिलेगा। और झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार में जो विकास की गंगा बह रही थी उस पर रोक लगाया है। कटौती केंद्र में जितना भी केंद्र का वैकेंसी है सब उसी में से कटौती हुआ है। आप देखिए आर्मी का वैकेंसी उसमें अग्निवीर आ गया, रेलवे का वैकेंसी खत्म ही हो गया है, लगभग बहुत कम आ रहा है। युवा हैं, चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि युवाओं की नजर से इस बार क्या बोकारो के मिजाज में चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल गौतम है। विशाल जी, आप तो पूरा कमल छाप भी लगाए हुए हैं। अच्छा, तो मोदी जी आए थे यहाँ पर, गारंटी देकर गए हैं, तो लोगों के बीच आप लोग जो पहुँच रहे हैं उनके गारंटी को किस तरह पहुँचा रहे हैं? अभी मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं जमीन पर उतारी गई हैं उससे हमारी जनता झारखंड या पूरे भारत की बहुत संतुष्ट है, और उन्हें और भी उम्मीदें हैं कि मोदी जी और से और नई से नई विकास करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और कल जैसे कि मोदी जी ने गारंटी दिया है कि अब की बार 400 पार, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि मोदी जी कुछ बोल के करते नहीं, करने के बाद बोलते हैं, तो अगर उन्होंने बोला है पहली बार तो वह करके दिखाएंगे इस बार। का बात बताइए, बोकारो में ऐसा क्या काम है जो होना चाहिए था नहीं हुआ, या फिर ऐसा कौन सा बदला हुआ जो पिछले 10 साल पहले नहीं हुआ? अभी आप देख सकते हैं 2014 में जब रघुवर दास जी की सरकार आई थी, भाजपा की सरकार आई थी, मोदी जी का पहला कार्यकाल था, पहले रांची जाने के लिए हम लोगों को 4-5 घंटा ट्रेवल करना पड़ता था, रोड बहुत ही खराब थी, बहुत बदतर थी। उनके आने के बाद 2 घंटे की रास्ता हो गया रांची का, 1 घंटा हो गया धनबाद। ऐसे ही अभी फिर से आप देख सकते हैं 4 लेन नया बन रहा है, एयरपोर्ट के रोड पे बन रहा है, नया मोड़ को कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे, तो ये एक विकास ही है। और जब एयरपोर्ट खुल जाएगा उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी जैसे कि पहले रांची जाना पड़ता था कहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो अब कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से 50 सीटर चलेगी और ये मार्च के महीने में शुरू होने वाली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी हमेशा की तरह, ये उनका नहीं है कि बस गुजरात को वो मान रहे, लोगों का कहना होता है कि गुजरात को मान रहे हैं ये कर रहे, नहीं, मोदी जी पूरे भारत को मानते हैं। और कल जैसे कि 36,000 करोड़ का योजना का स्वागत दिया है मोदी जी ने, और जो हर्ल थी 20 साल पहले उस पर तालाबंदी हुआ था, और वह 20 साल के बाद मोदी जी ने दोबारा से उसे जीवन दिया है, दोबारा से वहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, लोकार्पण किया है उन्होंने, और इससे युवाओं के बीच में रोजगार भी पैदा होगी, साथ में लोग बहुत खुश है, धनबाद की जनता, धनबाद लोकसभा की जनता खुश है, हमारे आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं उनके ये सफल प्रयास का फल है, जो आज हर्ल सिंदरी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो लोकार्पण होकर खुल चुका है। ये परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने कहा कि हमने एक तरह से आंदोलन छेड़ा है, तो आप लोग इतने जोर से आवाज लगाएंगे कि जेल तक जाएगा? उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। आप आवाज लग रही है तभी आज वो जेल के अंदर है, और जो जेल के अंदर आवाज पहुंचाना है, होटवार जेल ज्यादा दूर नहीं है, और जो काम मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही मजबूत है, कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने कल बोला कि ये जो आवाज़ है अब की बार 400 पार, ये जेल तक जाना चाहिए, जाएगा, और 2024 के चुनाव में वो लोकसभा चुनाव हो, यहाँ से 14 की 14 सीट हम जीत के मोदी जी के हाथ में सौंपेंगे, ताकि भारत के भविष्य के साथ हमारे झारखंड का भविष्य भी उज्ज्वल हो। एक बड़ा सवाल लगता है कि झारखंड में भी गीता कोरा को बीजेपी में शामिल कराया गया, ये क्यों आरोप लगता है कि बीजेपी लॉन्ड्री बन गई है, वॉशिंग मशीन बन गई है, जितने भी दाग है लेकर आ जाओ धुल जाएगा? ऐसा बात नहीं है कि गीता कोड़ा जब भाजपा में जुड़ी है तो वो लॉन्ड्री, भाजपा की लॉन्ड्री का काम कर रही है, और वह यहाँ से ब्लैक होके आ रही है, वाइट होके जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब गीता कोड़ा जी का ये मन था कि देश के प्रति जो मोदी जी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, ताकि झारखंड में जो अभी व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, एक अच्छी शासन नहीं है, ना ही प्रशासन है, तो इसको एक स्थायी रूप से मजबूत किया जाए, इसके लिए गीता कोड़ा जी ने हाथ मिलाया है भाजपा से। और जैसा कि हमारे पास 12 सीट पहले से थी, गीता कोड़ा जी आ गई 13 हो गया, अब 14 के 14 सीट पर हमारा कमांड होना चाहिए। 14 जीतने के लिए ये किया गया, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि 14 जीतने के लिए किया गया, पर हाँ, अगर हमको पूरा झारखंड एक विकास की ओर झारखंड को ले जाना है तो 14 के 14 सीट जीतना है, ताकि कुछ भी रुकावट ना आ पाए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बार, क्या बोकारो की कमीजाज क्या है? वही चाहिए, मोदी चाहिए, पीएन सिंह चाहिए, या फिर बदलाव चाहिए? मोदी जी चाहिए।
मोदी, ऐसा कौन सा काम है जो आपको प्रभावित किया है? युवा तो कहते हैं रोजगार नहीं मिल। मोदी जी ने देखिए कोरोना काल में जो वैक्सीन नहीं मिल रहा था वो सबको मोदी जी ने दिया है, और इससे बड़ी बात क्या है, जान बचा दी। जी हाँ, जान बचाया, लोगों का रोजगार बचा दिया, जान बचा तभी जाके आज खड़े हम हैं, आप हैं, जो भी है, तो मोदी जी का देन है ना। मोदी के गारंटी पर कितना भरोसा? मोदी जी का गारंटी पे तो हमको 200% भरोसा है कि मोदी जी का गारंटी मतलब फुल गारंटी, गारंटी की भी गारंटी है। आप लोग क्या सोचते हैं, बोकारो में क्या होना चाहिए था, विकास का काम हुआ कि और भी बाकी है जो नहीं हुआ इस नहीं साल में? अभी तो बहुत हुआ है, और कुछ भी बाकी है, जो बाकी है वो होगा ही होगा मोदी के। इस बार क्या सोच कर वोट करेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप ध्यान में रखें? हमारे विकास के लिए, शिक्षा के लिए, संस्था के लिए, वोट के लिए। आप युवा हैं, आपकी नज़र में क्या बदलाव हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, और क्या चाहते हैं बदलाव होना? बहुत बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे, अच्छा बदलाव हुआ है, मोदी जी हमारे आए क्या बोले। मोदी जी के बातों पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, मोदी जी के बातों को सुने कल? हाँ सुने थे। हाँ, कितना भरोसा है मोदी जी? पूरा भरोसा है, इस बार तो 400 पार होगा ही। एक युवा के तौर पर आप क्या चाहते हैं बोकारो में जो नहीं है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर डेवलपमेंट में और भी कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ हो, आप चाहते हैं कि फिर से अगर मोदी जी जीत कर आए तो वो हो जाए? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं जो अभी तक नहीं हुआ है, तो सब कुछ में आगे बढ़ गया, सब चीज में आगे बढ़ गया बोकारो। रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल ही रहा है, अभी तो एक स्कीम भी अभी एक निकला है जिसमें बिजनेस करने के लिए पैसा मिलेगा। और भी चलते हैं चाय के दुकान पर, जो रोजगार का बात है, रोजगार जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जो नहीं पढ़े लिखे हैं और बोलेंगे कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा तो ये तो बात जाहिल की बात है। विपक्ष उसी को ढूंढ के ला रहा है या और नहीं तो क्या, हम लोग का तरफ से पूरा रोजगार है, अगर मोदी जी ने बोला है आप पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं और रोजगार का जगह है तो एकदम मिलेगी, ये 100% गारंटी। बोलना सर जी, अभी देखिए रोजगार के बाद जैसे आपने पूछा क्या रोजगार मिल रहा है, अब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि रोजगार अगर पढ़े लिखे हैं तो मिलेगा, और झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार में जो विकास की गंगा बह रही थी उस पर रोक लगाया है, इस जनता ने लगाया है, वो मतलब कि जो भी जनादेश मिला उसको स्वीकार किया भाजपा ने, और इस बार 2024 में जब भाजपा की सरकार आएगी तो वापस से विकास की गंगा बहेगी, और सबसे पहले युवाओं को शिक्षित किया जाएगा ताकि अगर पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड, और अगर पढ़ता है झारखंड तो मिलेगी लोगों को रोजगार, रोजगार मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि ये बोकारो ये पूरे झारखंड में खुशहाल की लहर आएगी। क्या बदलाव देखते हैं मोदी जी के आने से, कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी के आने से गैंग वॉर चलेगा रोड पे, ज्यादा से ज्यादा वही हो सकता है, धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे, और विकास के नाम पे तो कुछ किया नहीं भाजपाई जी के समय। क्या चाहिए था जो नहीं हुआ इस क्षेत्र में, जो आपको लगता है आपकी नज़र में कि सबसे जरूरत था ये चीज और नहीं हुआ? सबसे ज्यादा जरूरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ देखिए कितना है, रोजगार के नाम पे तो कुछ नहीं है, लोग सरकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद सब नौकरी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो इतना पढ़ के वो लोग प्राइवेट में खटेंगे, उससे अच्छा है डायरेक्टली भर्ती हो जाएं, क्या जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है एकदम, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया गया है पूरी। राज्य सरकारें भी तो नहीं दे पा रही है रोजगार, झारखंड की भी अगर हम बात करें तो झारखंड की सरकार भी तो उस तरह से रोजगार नहीं दे। झारखंड की सरकार जितना रोजगार 2014 से पहले दे रही थी अभी भी उतना दे रही है, लेकिन कटौती केंद्र में जितना भी केंद्र का वैकेंसी है सब उसी में से कटौती हुआ है। आप देखिए आर्मी का वैकेंसी उसमें अग्निवीर आ गया, रेलवे का वैकेंसी खत्म ही हो गया है लगभग, बहुत कम आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया, और भी जितना भी केंद्र का जो वैकेंसी है सब में कटौती हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है पब्लिक। हाँ कहेंगे आप लोग मोदी जी आए कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? उनको नहीं लगता है कोई कुछ फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके कामकाज को किस रूप में देखते हैं ये जो 10 साल का कार्यकाल? कार्यकाल आप देख सकते हैं इतना बेरोजगारी है, हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है उसका। आपकी नजर में क्या? एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम हमने दिया था अभी, उतने दूर ट्रैवल करके गए फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गया, कि वहाँ को एकदम उम्मीद नहीं मोदी जी से। तो एक ट्रेंड बन गई है हर स्टेट में, आप एग्जाम देंगे पेपर लीक होता है और उसके बाद ये बंद हो थी। बिहार में बीजेपी थी तो भी वहाँ पुलिस वाला एग्जाम था वो कैंसिल हुआ, यूपी में भी थी वहाँ भी कैंसिल हुआ, ये तो ट्रेंड चल रहा, कौन चला रहा है आखिर, इसके पीछे किसी का तो हाथ है, छोटे मोटे आदमियों से हाथ होगा नहीं, बड़े आदमियों का हाथ है, सेंट्रल लेवल पर भी कोई एग्जाम होता है सीजीएल के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, क्या फायदा होगा, 10 साल हो गए उनको दिए हुए, आगे का कुछ रणनीति है नहीं, ऐसे ही चल रहा है। और बात किया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, अंबानी अडानी वाला सेक्टर बढ़ रहे हैं, देखिए अंबानी की शादी हो रही है कितना हजारों करोड़ खर्च, और ये कहाँ से आ रहा है पैसा, आम जनता का पैसा है, तो
तो इस चीजों को बदल के हम लोग को दिखाना पड़ेगा सोशलिज्म के तौर पे कि प्राइवेटाइजेशन बंद हो और सोशलिज्म बढ़े। सेल का प्लांट है ये, सेल के पहले कितने वैकेंसी निकलती थी ये आता था, लेकिन अब सब बंद हो गया, ठेका मजदूरी चलती है प्राइवेट तौर पे। बस इतना ही कहना है कि थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, रोजगार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, रोजगार पर है। हम लोग सब युवा लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार से बंगाल जा रहा है, मुंबई जाना पड़ता है, वहाँ भी काम नहीं मिलता है, वहाँ से भी धक्के खा के आने पड़ते हैं, चेंज करना चाहिए अभी यहाँ पर। तो हमने बोकारो के इस नया मोड़ से जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर मोदी जी के आने से क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, या फिर इससे पहले जो राहुल गांधी आए थे उनके आगमन से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो आम लोगों की राय हमने जाना। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को बोकारो।